समस्तीपुर का कुख्यात शराब माफिया प्रभात चौधरी अपने दो साथियों समेत एक स्कॉर्पियो कार, 13 मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड, 2 पिस्तौल व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार हुआ। समस्तीपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, कल्याणपुर थाना के पुलिस एवं एसटीएफ द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए जिले के टॉप 10 अपराधियों में एक हत्या, लूट, डकैती समेत दर्जनों कांडों से वंचित कुख्यात शराब माफिया प्रभात चौधरी समेत इसके दो सहयोगी रवि चौधरी एवं अमरजीत कुमार दास को ग्राम बरहेता से किया गया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 2 पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस, 1 स्कॉर्पियो, 1 कार, 3 मोबाइल जिसमें फर्जी सिम लगा हुआ था, 5,500 नगद बरामद किया गया है। विगत माह 8 अप्रैल को कल्याणपुर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई थी और उसके बाद ये हम लोगों को पता चला था कि शराब के कुछ माफिया यहाँ पर सक्रिय हैं और उससे भी जो हम लोगों के जिले स्तर के जो टॉप 10 अपराधी थे उनमें कुछ शराब माफियाओं को भी हम लोगों ने रखा था जो शराब माफियाओं का भी कार्य करते हैं और साथ में अपराधी गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं। ऐसे एक अपराधी का नाम था प्रभात चौधरी और 8 तारीख को जब शराब कल्याणपुर में शराब पकड़ी गई उसके बाद 12 तारीख को बरेटा गांव में कुछ फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी और उसके बाद 22 अप्रैल को पुनः झटमलपुर गांव में भी फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी कि दो गैंग्स के बीच में आपस में फायरिंग हुई है और 30 से 35 राउंड गोलियां चलने की बात सामने आई थी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ था लेकिन घटनास्थल को देखने के बाद और जब सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा घटनास्थल का विजिट किया गया तो स्पष्ट हो गया था कि शराब माफियाओं के बीच में किसी तरह का गैंग वॉर ये हुआ है। हम लोग इस पर कार्य कर रहे थे और प्रभात चौधरी जो इस क्षेत्र में सक्रिय था, कुख्यात अपराधी भी है, हम लोगों का जिला स्तरीय टॉप 10 वांटेड था, उस पर भी कार्य कर रहे थे। उसी क्रम में एसटीएफ के सहयोग से प्रभात चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। प्रभात चौधरी साथ में उसके रवि चौधरी एवं अमरजीत कुमार दास, 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग प्रभात चौधरी करीब 2022 जून से जेल से निकला था और पिछले एक साल से शराब माफिया का इसलिए कार्य कर रहा था। ये अपने एक साथी हिसार का रहने वाला एक पवन बर्णवाल है उसके सहयोग उसके संपर्क में था। उसके संपर्क में रह करके प्रभात चौधरी उससे फ़ोन के माध्यम से संपर्क करता था और वहाँ से ट्रक्स मंगाता था। वो ट्रक की खेप ये स्वयं पटना में रहता था और उस ट्रक की खेप को मंगाता था और वो ट्रक की खेप आती थी कल्याणपुर थाना क्षेत्र में और कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मध्य विद्यालय के पीछे जो चौर है वहाँ इनका कटिंग पॉइंट था। उस कटिंग पॉइंट पर दो व्यक्ति हैं, ललित और निजाम, ये अपनी पिकअप लेकर के आते थे और उस पिकअप में माल को भरने के बाद प्रभात सैनी, प्रभात शर्मा और जीतू राणा इन लोगों के घर के पीछे के चौर में ये लोग ले जाते थे, वहाँ शराब को डंप कर देते थे। प्रभात चौधरी के बिहाफ पर इन लोगों से पैसा कलेक्शन करने का जिम्मेदारी रवि चौधरी, टाइगर और गुलशन और सत्यम त्यागी की थी। ये 3 लोग इसके बिहाफ पर इन लोगों से पैसा कलेक्ट करते थे और शराब को फिर होम डिलीवरी करने का काम जीतू राणा, प्रभु सैनी और प्रभात शर्मा के द्वारा किया जाता और सानू के द्वारा किया जाता और पिकअप का इंतजाम ललित और निजाम करते थे। पूरे गैंग का हम लोगों को पता चल गया और 3 इसके जो 3 कुख्यात अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई, बाकी सभी भागे हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। हुआ यूँ था कि जब 8 तारीख को इन लोगों की शराब पुलिस के द्वारा पकड़ी गई तो इनका पुराना साथी था राय बहादुर, इनका ही ड्राइवर था, वो इनके विरोधी गैंग से जाके जो शराब मंगाता था उस विरोधी गैंग से जुड़ गया था